लेंदी था थोड़ा सा। हाँ लेंदी हो सकता है। सर उसमें एक दो डाउट्स थे पेपर में, तो कब क्लियर करना। एक मिनट देना। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर कुछ डाउट्स थे पेपर में, हाँ तो हाँ उस वो कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादा तो नहीं होने चाहिए, बन गए नहीं होंगे एक दो दो तीन क्वेश्चन ही ही क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ बस जल्दी करो, आज मुझे खत्म करना है ये फर्स्ट लॉ। ठीक, अच्छा इधर देखो, अब एक काम करते हैं, थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। मान लो ये पी है, एक सर वॉइस बार कैसे करा रहे हैं? क्या अभी ठीक है, आ रहा है? आ रहा है ना बस, देखो। अच्छा सर अभी आ इधर रहा देखो, हाँ ठीक है, देखो। एक बार मान लो मैंने ऐसे एडियाबेटिक एक्सपेंशन करा रहा हूँ, ठीक है। ये वी इनिशियल, पी इनिशियल, ये क्या होगा? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इरिवर्सिबल केस का कैसा होगा? इरिवर्सिबल केस का सर। उधर वी फाइनल एंड पी फाइनल होगा ना। अच्छा रिवर्सिबल केस का मत, अब बताओ मान लो मुझे दो ग्राफ, एक बार रिवर्सिबली कर रहे हैं, एक बार सर इरिवर्सिबली आपने कर रहे क्या हैं। बोला अच्छा वो इसी वापस रिपीट बताओ, करो ना, बीच में आवाज ही आपका नहीं आ रहा आवाज भी था। नहीं आ रहा था आपका? हाँ सर बीच में हाँ आवाज मैं सही बोल गई रहा थी। हूँ कि, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ग्राफ बनाना है, एक बार एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक बार इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। मैं एक बार प्रोसेस को रिवर्सिबली कर रहा हूँ एडियाबेटिकली, एक बार इरिवर्सिबली कर रहा हूँ, एक बार टू द सेम फाइनल वॉल्यूम पे ला रहा हूँ। अगर मैं रिवर्सिबली करूंगा तो मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बना, ये वाला एडियाबेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, फाइनल वॉल्यूम कैसा रहेगा? अगर इरिवर्सिबली जाऊं टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? सेम फाइनल वॉल्यूम पर फाइनल प्रेशर क्या होगा, बताइए क्या होना चाहिए अगर मैं इरिवर्सिबली जाऊं तो, टू द सेम फाइनल वॉल्यूम। अच्छा टी फाइनल इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है ना किससे? तो इसका मतलब प्रेशर फाइनल इरिवर्सिबल का क्या होगा, ये ज्यादा होगा ना? आवाज आ रहा है अभी? क्या आवाज अभी भी नहीं आ रहा है? हेलो अरे सर सर, बीच बीच में कट yes. रहा था। कट जाता है पता नहीं क्यों यार। अच्छा इधर देखो, तो कैसा ग्राफ बनाएंगे, कहीं अगर टू द सेम अगर नहीं आया तो बोलना, फिर मैं चेंज करूंगा थोड़ा। मान लो ये तुम्हारा नया प्रोसेस है इरिवर्सिबल का, दिस इज पी फाइनल इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। और कैसे चलेंगे, कौन सा पाथ फॉलो करेंगे,
ये और ये। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ये वाला? सर वो पाथ वाला रिपीट कर सकते क्या? आवाज आपकी थोड़ी सी कटी थी। सर इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल आवाज फिर से कट रहा है। देखो बताना भी आवाज आ रहा है कि नहीं। आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम थी। बताना अगर नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है हाँ सर अभी आ रहा है। सर आपने दो ग्राफ क्यों बनाया? हाँ अभी आ रहा है आवाज। अभी आवाज आ रहा है पहले बताओ। अभी आ रहा है देखते हैं चेंज किए हैं। देखो अच्छा देखो फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो मुझे एक बार ग्राफ बनाना हो एडियाबेटिक रिवर्सिबल और एक बार एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये ब्लैक वाला लाइन कौन सा लाइन है? व्हाट इज दिस ब्लैक लाइन? दिस इज एडियाबेटिक रिवर्सिबल। रिवर्सिबल अगर तुमसे कोई पूछे कि मैं सेम प्रेशर इनिशियल और वॉल्यूम इनिशियल से मुझे सेम फाइनल वॉल्यूम पे जाना है तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? तो मुझे इतना मालूम है अगर मैं इरिवर्सिबली जाऊंगा तो मुझे लास्ट क्लास ही बताया था टी फाइनल इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा टी फाइनल रिवर्सिबल से हर केस के लिए। याद आ रहा है लास्ट ही क्लास बताया था है ना? तो इसका मतलब पी फाइनल भी इरिवर्सिबल केस में जहां तुम पहुंचोगे फाइनल वॉल्यूम फाइनल सेम रखना है। देखो फाइनल वॉल्यूम सेम रखने का मतलब मुझे इसी लाइन पे कहीं जाना है इसी लाइन पे कहीं रुकना है ये जो लाइन है। लेकिन फाइनल प्रेशर क्या होगा? फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज पी फाइनल ज्यादा है पीवी इक्वल टू आरटी। फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? याद आ रहा है ग्राफ इरिवर्सिबल का कैसे प्लॉट करते थे? ऐसा ग्राफ दिखाते थे जो वर्क डन दिखाता हो। तो वर्क डन दिखाएगा ना ये ग्राफ ग्रीन वाला पाथ। सबको समझ में आया? यस सर। सर लेकिन जो फाइनल प्रेशर सर फाइनल प्रेशर जो होगा रिवर्सिबल के केस में एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना? हाँ तो इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस पी फाइनल इनटू डेल्टा वी। तो यही ग्राफ होगा ना ग्रीन वाला पार्ट दिखा रहे हैं यही ना ग्राफ होगा? यस सर। यस। अच्छा मुझे बताओ इसमें कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? अगर मुझे ये मेरा है अगर मुझे टू द सेम फाइनल प्रेशर जाना है तो कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा ग्राफ बनेगा सेम फाइनल प्रेशर पे जा रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बताओ? ज्यादा होगा। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर ग्राफ कैसा बनाएंगे? ग्राफ ग्राफ कहीं यहां पर जाकर क्या आएगा? देखो तो यहां पर कहीं फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा कि नहीं? ये दिस इज द फाइनल वॉल्यूम सॉरी मुझे प्रेशर को सेम रखना है ना। हाँ तो फाइनल वॉल्यूम रिवर्स इरिवर्सिबल। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे जाएंगे इस पॉइंट पर? इस पॉइंट से कैसे जाएंगे? क्या इसमें मैं ये बोल रहा हूँ अरे यार एक बार रिवर्सिबली जा रहे हैं एक बार इरिवर्सिबली जा रहे हैं रिवर्सिबल ग्राफ बना दिया। अगर मैं वही सेम काम करूं इरिवर्सिबली लेकिन प्रेशर मुझे सेम रखना है फाइनल प्रेशर सेम रखना है तो मैं इस कैसे कौन से पॉइंट पर रीच करूंगा? फाइनल प्रेशर मुझे मालूम है ना कि टी फाइनल इरिवर्सिबल का क्या होता है ज्यादा। तो इसका मतलब वी फाइनल भी इरिवर्सिबल के केस में कहां रुकोगे? ज्यादा रुकोगे ना? यस सर ज्यादा रुकोगे। देखो एक चीज ध्यान देना आप लोग थर्मोडायनेमिक्स से हर दिन नोट्स रिवाइज करके जरूर आओ। देख रहे हो इतने सारे चीजें हैं हर दिन रिवाइज करके आइए एक बार नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ब्रेक नहीं। और यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री अपना और रूपक रहेगा भयावह है आसान बट चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है ग्राफ कैसा बनाएंगे बताओ?
ग्राफ कैसा बनाएंगे, इरिवर्सिबल का प्लॉट कैसा करेंगे, यहां से जाएंगे और फिर मैं कहां जाकर रुकूंगा, थोड़ा सा ऊपर यहां इस पॉइंट पर जाकर। देखो ऐसे, ये टू कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ, हाँ फाइनल वॉल्यूम। ग्राफ ऐसा बनाएंगे, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो और ये कौन सा ग्राफ है इसको नोट करो, और ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल। हो जाए तो बोलना, किसी को कोई डाउट है कि फिर से बताओ, एक बार वापस बताओगे? कौन सा पार्ट में डाउट पूछो, कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट में डाउट पूछो, एक्सप्लेन करोगे शॉर्ट में? अभी जस्ट किया, नोट करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, नोट करो फिर से एक्सप्लेन करता हूं, नोट कर लो फिर से एक्सप्लेन करो। सर तो हम इसमें वर्क डन कंपेयर कर रहे हैं, हाँ ग्राफ बना रहे हैं, वर्क डन कंपेयर कर रहे हैं। वर्क डन तो ऐसे मैंने लास्ट में लिखा दिया है, ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ग्राफ आगे मैच करेगा तो ग्राफ बोलोगे ना। वर्क डन तो हमेशा याद है, कल लास्ट क्लास बताया था, किसमें ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लेंगे, फिजिकली या मैथमेटिकली अगर लेंगे, मैथमेटिकली तो किसमें ज्यादा होता था, याद है, इरिवर्सिबल का हमेशा किसमें होता था, इरिवर्सिबल, हाँ लेकिन मैथमेटिकली ले रहा हूँ साइन के साथ सब कुछ। मॉड लेंगे तब याद है कंप्रेशन का अलग था, तो सब चीजों को ध्यान देना। अभी तो मैं सिर्फ ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ग्राफ भी तो बनाने आने चाहिए, आईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ से बन जाते हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ग्राफ से। आगे बढ़ूं? यस सर, एक मिनट। डन सर, तो दो मिनट रुकन, अच्छा जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा देखो इधर फिर से जो बोल रहा हूँ इसको नोट मत करना, सुनो जिन लोगों को समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने किसी गैस को रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया, पी इनिशियल से कहां ले गया, क्लियर है? तो ये मेरा ग्राफ प्लॉट होगा कि नहीं, सबको यहां तक क्लियर है? ये मेरा ग्राफ है रिवर्सिबल। अगर मैं यही काम इरिवर्सिबली करूं, मैं इसी काम को इरिवर्सिबली कर रहा हूं और मुझे फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है, मतलब मैं वहीं रुकूं जहां पर रिवर्सिबल रुका था, लेकिन फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है, तो मैं किस पॉइंट पर पहुंचूंगा इस OA लाइन पर? ज्यादा जब मैं इरिवर्सिबली वो काम कराऊंगा तो मेरा फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है, तो फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा कि फाइनल प्रेशर कम होगा? ज्यादा। मैंने हम लोग लास्ट क्लास किए थे, क्योंकि हाँ हमेशा इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर किससे ज्यादा होता है, रिवर्सिबल से, लास्ट क्लास ही किए हैं, तो इसका मतलब हम लोग किस पॉइंट पर रुकेंगे? अगर तुम यही काम इरिवर्सिबली कराते और मान लो फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर तक ही आपको रुकना है, तो आप देखते कि आप कहीं उस समय फाइनल प्रेशर कुछ अलग होगा, कहीं ऊपर में कहीं लाई करें, ये समझा? इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, ये मेरा वी इनिशियल पी इनिशियल है और ये मेरा वी फाइनल और P फाइनल इरिवर्सिबल का है, कैसे प्लॉट करेंगे? तो इरिवर्सिबल है, कैसे प्लॉट करते थे याद है, लास्ट क्लास बताया था, प्लॉट करने का तरीका क्या है, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं कि हम लोग वर्क डन दिखा दें, वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, यही होता है ना वर्क डन, तो यही ना दिखाएंगे, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, कौन सा, नहीं सर नहीं, हम बोलो, ये मेरा वी इनिशियल है, ये मेरा वी फाइनल है, तो यही ना ग्राफ होगा इरिवर्सिबल का, समझा? हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। सिमिलरली वही उसके लिए बताया था, आप तो समझ गए होगे, अगर मुझे यही काम फाइनल प्रेशर को सेम रखना है तो मैं कहां पहुंचूंगा, मालूम है यही काम फाइनल प्रेशर को सेम रखना है,
तो मैं किस टाइप पे पहुंचूंगा, मैं कहीं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, वी फाइनल इरिवर्सिबल, फाइनल इरिवर्सिबल वॉल्यूम ज्यादा होगा। और इसको कैसे दिखाएंगे ग्राफ में, इसको भी कैसे, मैं येलो से दिखा रहा हूं, ऐसे जाएंगे येलो से इधर और फिर ऐसे जाएंगे, एरिया अंडर द ग्राफ यही होगा ना, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एरिया अंडर द ग्राफ होगा। सबको समझ में आया, चलो अब आगे बढ़ो। मान लो, अरे एक मिनट, इसको नोट नहीं करना था, इसको तो सीख ही गए, इसको नोट क्यों कर रहा हूं, अच्छा एक काम करो तो ग्राफ खुद से बनाओ, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन अगर करूं मैं, कैसा ग्राफ बनेगा, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल, मैं एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहा हूं, बनाइए कैसा ग्राफ बनेगा, एक बार मैं जा रहा हूं टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, एक बार मैं जा रहा हूं टू द सेम फाइनल प्रेशर, चलो बना लेते हैं पहले एडियाबेटिक का, तो बना ही लेते हैं, एडियाबेटिक का कुछ ऐसा होगा, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, पी इनिशियल वी इनिशियल और ऐसे जाना है, वी फाइनल पी फाइनल यहां जाना है, ठीक है सेम काम यहां कर लेते हैं, मुझे बताओ अगर मैं इरिवर्सिबली जाऊंगा लेकिन फाइनल वॉल्यूम सेम रखूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा, मुझे फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है मतलब मैं इस लाइन में कहीं पहुंचूंगा, मैं कहां पहुंचूंगा, थोड़ा ऊपर, इस लाइन में ऊपर पहुंचूंगा कि नीचे पहुंचूंगा, ऊपर ऊपर पहुंचूंगा, वेरी गुड ऊपर पहुंचूंगा, सबको क्लियर है, कहीं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा अगर मैं इरिवर्सिबली जाऊं, और ये क्या होगा बताओ, पी फाइनल इरिवर्सिबल, वेरी गुड। अगर मान लो मुझे यहीं से जाना है और मुझे अब सेकंड वाला देखते हैं, मुझे कहीं इस पॉइंट में कहां पहुंचूंगा मैं, थोड़ा और पास में आ जाओगे, इसको थोड़ा अलग से बना देता हूं, ठीक है, और मुझे कहां पहुंचना है, मुझे कुछ इस पॉइंट पे पहुंचना है, मैं कहां पहुंचूंगा बताओ, थोड़ा आगे पहुंचूंगा ना कहीं यहां पर, हाँ सर इस पॉइंट पर, सबको समझ में आ रहा है, यस सर, है ना, इस पॉइंट पे पहुंचूंगा मतलब ये मेरा फाइनल वॉल्यूम इरिवर्सिबल का है और ये मेरा फाइनल प्रेशर। ग्राफ कैसा बनाएंगे इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली ग्राफ कैसा बनाएंगे, मुझे तो वर्क डन दिखाना है, तो कंप्रेशन में हमेशा क्या करते थे, पहले ऊपर जाते थे और फिर कहां जाते थे, लेफ्ट जाते, लेफ्ट में, एरिया अंडर द ग्राफ यही होगा ना ग्रीन वाला, और इसमें कैसे दिखाएंगे, और सेम ऊपर जाएंगे, बोलो कोई डाउट हो तो, बोलो कोई डाउट,
आगे बढ़ो, नोट कर लिए? नहीं सर, दो मिनट, एक मिनट। हाँ करो। सर नहीं सर, हाँ हाँ रुका हुआ, रुका हुआ। सर इन सब चीजों में कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? नोट्स को देखो और प्रैक्टिस पूरा करो, नॉर्मल बाद में, और क्या, बार बार देखो, एनालाइज करो घर जाकर के एक बार। एक तो न्यूमेरिकल्स हैं, कौन सा एक तो होता है कि फिर नोट्स को देखो, जो जो लिखा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले तो उस पे काम करो। अगर वो समझ आ रहा है और फिर भी अगर काम करना है, मतलब अभी भी वीक है, तो प्रैक्टिस करो, देयर इज नो वे आउट, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग। बट सबसे पहले तो जो नोट्स में दिखाया हूं उसका कम से कम समझो कि 70-80% वही समझ में आना चाहिए। वही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उस पर मेहनत करिए पहले, क्योंकि वो आ जाएगा तो आपको बन जाएंगे क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? सर प्रीवियस पेज का स्क्रीनशॉट पहले ले लिया करना, समझ आता है ना? हो गया सर। चलो इसका भी ग्राफ बना के देख ही लेते हैं, बनाए तो थे पर इसमें एक चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, ठीक है? मान लो टू द सेम फाइनल वॉल्यूम जाना है, ये आइसोथर्मल, और मुझे टू द सेम फाइनल वॉल्यूम जाना है, बताओ कैसा होगा? ये अगर आइसोथर्मल है तो एडियाबेटिक कैसा होगा? नीचे लाई करेगा कि ऊपर लाई करेगा? नीचे। ये मुझे हम लोग पहले कर चुके हैं, ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि कैसे हम लोग डिराइव किए थे। दिस इज एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मान लो ये मेरा दिस इज, मैं टू द सेम फाइनल वॉल्यूम जा रहा हूँ, एक बार आइसोथर्मली एक बार एडियाबेटिकली, ठीक है? तुमसे कोई पूछेगा इन दोनों में कौन ज्यादा, क्या आंसर दोगे? एडियाबेटिक। कौन ज्यादा, वर्क आइसोथर्मल ज्यादा कि वर्क एडियाबेटिक ज्यादा? सर दोनों जीरो हो जाएंगे ना? क्यों, वर्क एरिया ऑन द ग्राफ जीरो कैसे हो जाएगा? एरिया ऑन द ग्राफ तो आ ही रहा है सर। आइसोथर्मल एडियाबेटिक ज्यादा हो, लेस नेगेटिव। ये आईटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा बताओ क्या आंसर होगा ऑप्शन में, क्या टिक मारोगे? ग्रेटर की इक्वल, हां मुझे मैच बताओ क्या टिक मारोगे? वर्क एडियाबेटिक, एडियाबेटिक ये आंसर होगा सर। मैग्नीट्यूड में आइसोथर्मल होगा बट नेगेटिव साइन। हाँ मैग्नीट्यूड में आइसोथर्मल होगा, लेकिन बताया था ना मैग्नीट्यूड में क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। लैंग्वेज में पूछे वर्क एरिया अंडर द ग्राफ किसमें ज्यादा है, एरिया अंडर द ग्राफ आइसोथर्मल ये जरूर है, बट उसका जब वर्क ऐसे पूछ दिया है तो वर्क इन्वॉल्व बोलेंगे ना यार, तो वर्क इन्वॉल्व माइनस लगाएंगे तो ये ज्यादा है। हाँ क्वेश्चन पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क सर, वर्क बाय एरिया ज्यादा क्यों है? अरे यार किसका एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा है, वर्क बाय एडियाबेटिक ज्यादा क्यों? नेगेटिव पॉजिटिव साइन में प्रॉब्लम हो रहा है सर।
लाइक वॉल्यूम क्यों साइन अरे यार एक चीज बता सर, ये आइसोथर्मल करूं क्या, आइसोथर्मल का ग्राफ में एरिया ज्यादा है हाँ सर, तो वर्क डन भी ज्यादा नेगेटिव होएगा। हाँ सर समझा, हाँ नेगेटिव वही तो एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन भी नेगेटिव होगा ना। इन्होंने मैथमेटिक मैंने वही बार बार बोला मैथमेटिकली पूछे कि लैंग्वेज में पूछे, समझना है सब चीजों। तुमसे ऐसे पूछ दे तो आंसर क्या दोगे, फिर ये आंसर दे दोगे। मान लो तुमसे पूछ देता वर्क डन बाई गैस, लैंग्वेज में पूछता वर्क डन बाय गैस, पूछता आइसोथर्मल वर्क डन बाय गैस एडियाबेटिक, क्या होगा आंसर बताओ। आइसोथर्मल ज्यादा, अब लैंग्वेज में पूछ दिया, हां ये लैंग्वेज में गैस एक्सपेंशन हो रहा है तो काम तो कर ही रहा है गैस, तब तो उसे लैंग्वेज में पूछ दिया। आपको इन सब चीजों को समझना है, ये जेई का एक क्वेश्चन है एक्चुअली में। उन्होंने बाद में दोनों आंसर एक्सेप्ट कर लिए थे, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था ग्रेटर वाला भी, लेकिन एक्चुअली में अगर आए तो अब दोबारा गलती मत करना। इसका मतलब यही होता है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर वर्क एडियाबेटिक ही ज्यादा होगा। आइसोथर्मल अगर मैथमेटिकली लिख दिया बाद में, अगला बाद उन्होंने दोनों आंसर एक्सेप्ट कर लिए थे, कोई कंफ्यूजन डाल दिया था, लैंग्वेज में लिखना चाहिए था, बट रियल आंसर इज यस, वर्क एडियाबेटिक लेंगे विद साइन लेना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सब चीजों पर ध्यान देना। आगे बढ़ू, एक सेकंड सर, डन ठीक है, चलो चलो एक काम करते हैं, आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल टू द सेम फाइनल प्रेशर, कैसा ग्राफ बनेगा? मान लो मैंने आइसोथर्मल बना लिया, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? इनिशियल वॉल्यूम्स में डिफरेंस आएगा बस, और मुझे सेम फाइनल प्रेशर पे रखना है, मतलब कहीं इस लाइन पे, तो क्या करूंगा मैं? ग्राफ इस पॉइंट जो वन पॉइंट है इससे लेफ्ट में रहेगा कि इससे राइट में रहेगा? ये आइसोथर्मल, सॉरी आइसोथर्मल बनाया, तो पॉइंट क्या रहेगा बताओ? लेफ्ट में रहेगा। सबको ये सब क्लियर हो रहा है ना, ये सब कैसे करते हैं ग्राफ वाला काम? देखें यार, क्लियर सर? ये सर तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनका एप्लीकेशन क्या है? इसका क्या है? इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है सर? रियल लाइफ एप्लीकेशन यही रहता है कि इसे जैसे इनमें ही मॉडिफिकेशंस करके आगे चलते हैं, और क्या है? अब आइडियल गैस का क्या ही एप्लीकेशन, उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके आगे चलते हैं। और एप्लीकेशन तो जब जानोगे, जब कॉलेज में जाओगे तब असली जानोगे एप्लीकेशन। अभी तो इतना ही जान लो कि हम लोग इतने सारे एरर्स को लेकर के काम ही नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या बोलो कि दिया ही नहीं है भगवान वैसा हम लोग को कि हम लोग कर सकें उतना सारा एरर को लेकर। तो हम लोग रिवर्सिबल करके एक अपना फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि रिवर्सिबल अगर है तो इतना ही काम मैक्सिमम अटेन हो सकता है। तो इंजिन के डिजाइन में, इस सब के डिजाइन में प्रैक्टिकल मालूम पड़ जाता है, बिकॉज थ्योरेटिकल लिमिट मालूम है, थ्योरेटी इतना आना चाहिए, इसे कम नहीं हो सकता। यही सब एप्लीकेशंस और डिटेल तो कॉलेज में ही, जब तुम एक्चुअली में करोगे, अभी तो आपको जानना ही है। एप्लीकेशन तो खूब सारे हैं, ऐसे सब लोग एप्लीकेशन खूब सारे हैं, तुमको अभी समझ में नहीं आया ये अलग बात।
चलो आगे बढ़ू। एक ही मिनट सर, इसमें वर्क डन मैग्नीट्यूड आइसोथर्मा का ज्यादा है ना? हाँ एक्चुअली बहुत सारे लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको ग्राफ बहुत हम काम कर देता है। सर बस एक मिनट भी चला दीजिए। हाँ सर चलो इसका खुद से बनाओ। चलो दो केसेस, एक बार टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, एक बार टू द सेम फाइनल प्रेशर। खुद से बनाओ। मान लो मैं आइसोथर्मल तो बना ही लेता हूं, ये मेरा आइसोथर्मल है। सेम फाइनल वॉल्यूम पर मतलब मुझे कहां होगा बताओ खुद से, इस लाइन पे कहां जाऊंगा मैं, ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा? ये आइसोथर्मल है, बताइए कहां जाऊंगा? अगर मैं एडियाबेटिकली वही काम करूं, सेम फाइनल वॉल्यूम तक पहुंचू तो कहां जाऊंगा? नीचे ऊपर। ऊपर जाएंगे ना यार, भूल गए क्या? ऊपर जाएंगे ना सर, ऊपर ऊपर ना जाएंगे कहीं। कंप्रेशन में याद है हम लोग किए थे सब, कंप्रेशन में कौन ग्राफ नीचे रहता है, आइसोथर्मल रहता है कि एडियाबेटिक नीचे रहता है? ऊपर जाएंगे ना कहीं, स्ट्रेट लाइन में बना देना जैसा रहेगा। क्या ये याद नहीं आ रहा है क्या कि ये सब किए थे सब? दिस इज हाँ वी फाइनल एडियाबैटिक, सॉरी वी फाइनल नहीं, सॉरी क्या पी फाइनल। क्या परिल ठीक है ना, अनुराग ठीक है? हाँ सर। चलो इसका बनाओ तो कैसा बनाएंगे? मान लो ये आइसोथर्मल है, और मुझे सेम फाइनल प्रेशर तक जाना है। तो राइट साइड सर आगे वेरी गुड। देखो कोई डॉक्टर इसमें मैग्नीट्यूड वाइज काम किस में ज्यादा करना पड़ेगा, एडियाबैटिक में कि आइसोथर्मल में? एडियाबैटिक सर। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही ग्राफ में मैग्नीट्यूड वाइज किस में ज्यादा काम करना पड़ा है सर? मैग्नीट्यूड वाइज एडियाबैटिक में, पहले वाले ग्राफ में। चलो आगे बढ़ो अब। सर एक मिनट सर, मैग्नीट्यूड वाइज पहले वाले ग्राफ में तो एडियाबैटिक होगा ना? बाकी अब तो देखो बहुत सारे ग्राफ से होता क्या है ना,
ग्राफ से आपको जैसे मैं एक जेई का क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोगों को समझ में आएगा, जेई का क्वेश्चन पूछता हूँ, आईटी का ही क्वेश्चन है, देखो समझ में आएगा कैसे काम करते हैं। आगे बढ़ूं? हाँ बोलो क्या? उसमें सेकंड वाले ग्राफ में एडियाबैटिक का वर्क कैसे ज्यादा होगा? सेकंड वाले में, हाँ सेकंड वाले में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा सेकंड वाले में, शायद एडियाबैटिक का ही याद आना चाहिए। सर ये सब कुछ याद करने का तो नहीं है ना, बस समझना। याद नहीं, हाँ नहीं याद नहीं करना है, समझना है। सेकंड वाले में तो आइसोथर्मल लग रहा है ना शायद? सर आइसोथर्मल ही आएगा ना? हाँ सेकंड वाले में आइसोथर्मल है, डेल भी ज्यादा है उसका। हाँ ज्यादा है, ठीक है। ये सब बनाने का जरूरत क्या है ना, ये सब तुमको अब तुमसे लैंग्वेज में पूछेगा तो हमेशा मैथमेटिक्स थोड़ी ना लगाओगे। अगर ग्राफ प्लॉट करने आता है तो आप ग्राफ से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो ना, इसलिए सिखा रहा हूँ। नहीं तो लगाते रहो P1 गामा सर, फिर फाइनल गया तो सर प्रेशर ये होगा, लगाओ फॉर्मूला आंसर द्वारा, इससे अच्छा प्लॉट करो ग्राफ और ग्राफ से पता लगा लो। चलो आगे बढ़ो। हाँ बोलो सर, अगर किसी क्वेश्चन में रिलेशन दिया होगा पीवी का तो उसको हम मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करके उनमें रिलेशन करके इंटीग्रेट कर सकते हैं ना? हाँ वही करना ही, और क्या, और कोई तरीका भी नहीं है इसको करने का। अगर पीवी एन कांस्टेंट दिया हुआ है तो वही करना पड़ेगा। चलो ये आईटी का ही क्वेश्चन है, ट्राई करो। तो सभी आईएसओ रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना, क्वेश्चन में रिवर्सिबल प्रोसेस है। बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जी का ही क्वेश्चन है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सब आपको भेजा हाँ रचित, सही है, वेरी गुड। पहला ऑप्शन क्या लिखा है आपने? W1, W3, W2, W3, W1, W2, W3, W1, W3 और W2। यही का ही क्वेश्चन, आईटी का ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल आईटी का क्वेश्चन है, एडवांस का सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा सब आंसर बताओ, आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे बताओ? एक मिनट रुको सर, मेरा करेक्ट है क्या? बताता हूँ रचित का करेक्ट है, और कौन कौन आंसर को बताता हूँ। अमोघ, अजितेश फिर से देखिए, सिद्धांत का करेक्ट है, अनीश गलत है आपका, सिद्धांत आपका सही है, अचिंत गलत है, तनिषा आपका भी गलत है, मयूरेश गलत है, सही से सोचो यार, सिंपल सब तो कर चुके हो, अब क्यों गलत होता है। श्लोका, हाँ श्लोका तुम्हारा सही है, वलाड़ी गलत है, समझे नहीं हो क्या अभी तक। ओमकार गलत है,
कहाँ गलती हो जाता है इतना करने का, इधर देखो तो आइसोबारी कैसा होगा बताओ, आइसोबारी मान लो P1 V1 से स्टार्ट हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये क्वेश्चन को तो ग्राफी से करोगे ना एग्जाम में, अगर नहीं तो अब तुम बोलोगे सर ऐसे प्रूव करिए, तो वही मैंने बोला था स्पीड में आप काम कर लिए, कोई तेज बच्चा है इसको ग्राफ से करेगा, इसलिए ग्राफ बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ग्राफ से भी तो आती हैं, ग्राफ ज्यादा बेटर है। आइसोबारिक मान लो किसी V1 से V2 पे गया, सर ये रिवर्सिबल नहीं है, सब रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, लिख तो दिया है सब रिवर्सिबल। पहला आइसोथर्मल है, हाँ मतलब अरे तीनों ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, ये ऐसा कैसे सवाल पूछता है, तीनों ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, कि ये तो आइसोबारिक हो गया, आइसोथर्मल कैसा जाएगा बताओ, सर नीचे नीचे जाएगा, सर एक्सपेंशन हो रहा है ना तो नीचे, एक्सपेंशन हो रहा तो नीचे ही जाएगा ना रे। अच्छा हाँ ठीक है समझ गया समझ गया, सर एडियाबेटिक और नीचे जाए, और एडियाबेटिक कैसा जाएगा, तो आपका फाइनल वॉल्यूम क्या रखना है, फाइनल वॉल्यूम सेम ही रखना है, ये सबको समझ में आया कि ये समझ में नहीं आया, समझ गया। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा एरिया अंडर द ग्राफ किसका है, W2 का ग्राफ है ना, हाँ। अब क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड के साथ पूछ रहा है कि साइन के साथ पूछ रहा है, सर बाय गैस लिखा है, हाँ मतलब एरिया अंडर द ग्राफ वाला है आंसर होगा, आंसर क्या लेंगे, ए 213, हाँ सर ये सिंपल है, हाँ तो सिंपल ही तो, तुम ही लोग गलत किया, हम मुझे तो बोला ही था सिंपल था क्वेश्चन, सर बाय गैस नहीं देखा तो कंफ्यूज हो गया, हाँ तो वैसे देखो वही तो बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय द गैस पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा हूँ देखो सर, क्वेश्चन में दम नहीं है, सिंपल सदा क्वेश्चन कब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जब तुम स्टार्ट करोगे मैथमेटिक्स करना यहाँ पर, अब प्रूफ करने बैठोगे तब टफ हो जाएगा, ग्राफ का यूज करोगे तो जल्दी हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है सिंपल सा। चलो आगे बढ़ूं, कुछ बोल नहीं रहे हो यार, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है हाँ सर, डन चलो। अच्छा मतलब अब समझ गए होगे कैसे ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, अब एक काम करते हैं थोड़ा सा सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए भी काम कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान देना, जनरली तुम्हारे सिलेबस में कौन सा है, तुम्हारे सिलेबस में है आइडियल गैस, ठीक है, और 99% क्वेश्चंस तो उसी पर आएंगे, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत इरिवर्सिबल वाला सॉरी वैंडरवाल्स वाला थोड़ा बहुत चीजें आपको बता दी, तो लेकिन सॉलिड लिक्विड में भी थोड़ा काम कर ही लेते हैं, जान लेते हैं चीजों को। अच्छा डेल यू कैसे लिखेंगे, डी यू ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन तो जनरल है ना यार, इसमें तो कोई यही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी प्रोसेस हो, फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस डीवी बहुत स्मॉल होगा कि नहीं फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, यस बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, बिकॉज दे आर फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स,
बिकॉज दीज आर फिजिक्स में वो करेंगे ना एक्सपेंशन. हाँ थोड़ा करोगे. मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ के लिए आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, बिकॉज दीज आर थोड़ा सा हाईली क्या है बहुत, या ऐसे समझ लो कि बहुत कम का चेंज आएगा, बहुत कम का चेंज. मतलब आपको ये पर्टिकुलर चीज को डोमिनेट करने के लिए बहुत कम का चेंज आता है. तो हम लोग इस टर्म को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, तुम्हारे लिए क्या मान के चलोगे? जीरो. इसका मतलब, हाँ तुम इसका मतलब ये बोल सकते हो कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए भी ये लिख सकते हो आराम से. सो और इसके बारे में मालूम है इसको क्या बोलते थे? डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते थे, याद आ रहा है? सीवी. तो हाँ, तो फाइनली अगर देखा जाए तो मैं लिख सकता हूं यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर सॉलिड के लिए भी जनरली, और किसके लिए? लिक्विड के लिए भी. एंड आइडिया मान सकता हूं ना सर, लिक्विड को परफेक्टली हाईली इनकंप्रेसिबल नहीं बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे, बट आपको फिर भी बहुत चेंजेस बहुत कम के आएंगे, बहुत कम के आएंगे, इतने कम के आएंगे कि उसको अप्रोक्सीमेटली ये टर्म को निगलेक्ट किया जा सकता है. हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं. समझा? यस सर. है ना सिंपल सा, मतलब हम ऑब्वियस बात है तुम तो करोगे कैलकुलेशंस, लेकिन अब फिजिक्स में करना, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जीरो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है निगलेक्ट करके ही आगे बढ़ो ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्लियर है? अच्छा हाँ बोलो. ये वाला टेस्ट में एक्चुअली आया था du is equal to ncv dt true for real gases, ये करेक्ट है? du is d, अच्छा ncv is it true for real, बताओ अभी जस्ट वही लिखने वाला था. is it it is not true for real gases, is du, ये तो बताया था ना तुम लोग क्लास में, टेस्ट में तो दिया था true for real gases. नहीं रे क्वेश्चन पर सर, मेरे को भी वही डाउट था, टेस्ट में वो ट्रू दिया, टेस्ट में हाँ सर ट्रू दिया था, मैं तो सही माफ करके आती है यार. कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम लोग बताओ तो सर? यही बात, ये तुम क्वेश्चन फिर से पढ़, तुम लोग गलत क्वेश्चन पढ़ रहे हो सर. मैंने ग्रुप में भेजा है, देखो तो. कौन सा, इसका आंसर क्या दिया होगा ये? हाँ सी वाला सही है, कांस्टेंट वी लिखा है, कांस्टेंट वी नहीं दिख रहा है तुम लोग को, कांस्टेंट वी. अरे कांस्टेंट वी पे तो सेम हो जाएगा ना सर, आइसोकोरिक प्रोसेस सेम होता है आपने बोला था तो ये बात, आइसोकोरिक पे तो बताया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस की क्या हुआ पॉइंट आपने लिखाया था ये नहीं समझा सर, मतलब लिखाया था. अरे भाई तुम लोग, अरे सच बता क्या तुम लोग ऐसा ऐसा लिखाया है ये सब पॉइंट्स, तुम लोग नोट्स भी सही से नहीं देखता है यार, ये तो पॉइंट ही लिखाया था. तुम क्या पूछ रहे हो, तुम बोल रहे हो सर ये ट्रू आ रहा है, सर कैसे ट्रू आ रहा है, तुमने क्वेश्चन ही पूछा गलत. तुमने पूछा सर इज दिस ट्रू फॉर रियल गैसेस, आंसर मैं बोलूंगा नो. इज दिस ट्रू फॉर रियल गैसेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मैं बोलूंगा यस, मैं बोलूंगा तो लिखाया था सर. दिस इज गलत दिया क्योंकि उल्ली दिया, इसके लिए गलत दिया ना. हाँ यस वही था, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस व्हाट, व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. क्या समझा? Yes, sir. इसी क्वेश्चन में एक डाउट था क्या सर, क्यू डी क्यू आना चाहिए ना सर? हाँ डी क्यू और क्यू एक ही है यार, डी क्यू इज नथिंग बट क्यू होगा तब तो फाइनाइट चेंज होगा टेम्परेचर में. नहीं वो डी क्यू ही बोलना चाह रहा है वो, हम लोग क्यू और डी क्यू को एक ही चीज बोलना चाह रहा है, डी क्यू मतलब होता है कि डी क्यू ही बोलना चाह रहा है वो, उतना तो समझ लेना कि नॉर्मली क्या बोलना चाह रहे हो. हां बोलो. डीए का जो फार्मूला है उसके लिए रियल गैसेस में एप्लीकेबल नहीं है ना वो वाला? कौन सा फार्मूला? डी डेल एच का जो फार्मूला है, डेल एच इज इक्वल टू एनसीपी डी डेल्टा टी, ये किसके लिए फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है?
रियल गैसेस के लिए? हाँ रियल गैसेस एप्लीकेबल, ठीक है। अच्छा इधर देखो, बट अब एक चीज बताओ, रियल गैस के लिए क्या होता है? रियल गैसेस के लिए मुझे बताया था ना, फॉर रियल गैसेस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होगा बताओ, ये बताया था कि नहीं? मैंने लिखाया था इसको, आपने लिखाया है? हाँ सर, ये सेकंड लॉ ना, ये सेकंड लॉ से आता है। और इसका तुम लोग निकाले क्या वैल्यू आएगा? ये नहीं निकाला तुम लोग, मैंने बोला था होमवर्क के लिए निकालने हैं। वैन डर वाल्स गैस के लिए ये वैल्यू आता है ए बाई एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, करके देखना घर में। सबको समझ में आया मतलब? इज डी यू एन सी वी डेल्टा, फिर से सुनो क्वेश्चन, इज डी यू एन सी वी डेल्टा टी एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस? आंसर नो। नो, इज इट एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस एट आइसोकोरिक प्रोसेस? यस। आंसर हाँ सर, ठीक है। और एक चीज देखो, ये जो ये सेकेंड लॉ से आता है, इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं, सेकेंड लॉ में जाएंगे तो देख लेंगे, लेकिन याद करने से भी हो जाएगा। और एक चीज बताओ, ये डेल्टा यू बाई डेल वी का टर्म अगर इक्वल टू ये आ रहा है फॉर वैन डर वाल्स गैस, ए याद है किसको दिखाता था? ए किसको दिखाता था? ए वाज मेजर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो हैं, तो इसका मतलब ये मुझे बता रहा है कि डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी क्या हो गया? जीरो हो गया, और वो होना ही चाहिए। Why? Because अगर attractive forces ही zero हैं, तो volume के change करने से क्या potential energy में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो दिखा ही रहा है मतलब। और ऐसे भी सोच सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कि n square by v square आएगा अगर ध्यान से ये काम करोगे तो, करके देखना, मैंने homework दिया था। और अगर ये बता रहा है कि अगर a zero है, तो इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं ना कि आइडियल गैस बन गया, और आइडियल गैस के लिए डेल यू बाय डेल वी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी क्या माने थे? याद है आइडियल गैसेस के लिए क्या माने थे? जीरो। जीरो, एक और चीज, यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ideal gases. Ideal gases. चलो आगे बढ़ो। एक मिनट, यस, नहीं नहीं, रियल गैस आइसोथर्मल के लिए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बोलो, प्रोसेस फॉर्मूला लग जाता है एनसीबी डेल्टा। बट ऐसे देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये चीज हमने आइडियल गैस के लिए ही ट्रू है। आगे बढ़ो अब। यस सर, और एक मिनट, डन सर, चलो। अच्छा अब एक काम करते हैं, सीपी माइनस सीवी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स देख लेते हैं। फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो रिजल्ट याद रखना, मैं अलग बात है फॉर्मूले से कराता हूं, समय देता हूं, ठीक है ना, बट अगर आप रिजल्ट भी याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। यू शुड नो व्हेन टू अप्लाई विच फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। अब इसको तुम फॉर्मूले से करो, तुम याद करो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन होता क्या है, मैं दिखाता इसीलिए हूं ताकि आपके अंदर थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। डायरेक्टली बताऊंगा तो लगेगा अरे क्या हो रहा है सर, फिजिकली थोड़ा दिखाऊंगा फॉर्मूले के साथ तो लगता है ठीक है। अच्छा इधर देखो, ये सबको फॉर्मूला याद है कि मैंने ये यहां तक प्रूफ किया था, जनरल फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी। मैं डायरेक्टली रिजल्ट पे आ रहा हूं, ये मैंने लिखा था। यस सर,
ये जनरल फॉर्मूला, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और हम लोग को निकल गया था कि फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया था, जीरो हो गया था, और ये काम किया था तो आर आ गया था। अब मुझे फिर से एक चीज बताओ, सीपी मैथ्स सीरीज अगर देखा जाए, अभी मैंने तुम लोग को जस्ट बताया डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना था, बताओ तो रियलिटी में कितना था बताओ, जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, जीरो नहीं, आइडियल गैस की नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, यही था। इसका डेरिवेशन सेकेंड लॉ में कर लूंगा, अगर समय लग रहा है तो इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो एक चीज जरूर है, ज्यादा बताने से ना कंफ्यूज मत करना, ऐसा नहीं कि सर ज्यादा बता रहे हैं तो कंफ्यूज होते जा रहे हैं, इसके लिए पढ़ाई करिए, क्योंकि जितना ज्यादा जानोगे उतना आपका चांसेस जेई में भले ही होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर जेई आईटी पूछ रहा है 100 लेवल तक, तो आपको 102 तक जाना है, भले ही वो आइडियल गैस न रियल गैस न पूछेगा, मान लिया वो नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा बहुत हमेशा जानना है, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करने उस पर, लेकिन आपको लैंग्वेज में चीजें जाननी, लैंग्वेज में तो पूछ सकता है ना आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए। अच्छा इधर देखो, तो मैं इसको इधर डाल सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन में डाल सकता हूँ, यस सर डाल देता हूँ इसको, दिस इज द रियल फॉर्मूला, बोथ ऑफ देम, ये दोनों जो है ना रियल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल एवरीवेयर, ये दोनों। अगर देखोगे आइडियल गैस के लिए ये क्या आ जाएगा, फॉर आइडियल गैस ये वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉर आइडियल गैस यही आर आ जाएगा, वो करके बता दिया था, उसको मैंने दो डेरिवेशन कराया था, वो आर ही आ जाएगा, करके देख लेना, पीवी आर टी लगाओ, डेल पी बाई डेल टी निकालो, ये बार डेल वी बाई डेल टी निकालो, वही आ जाएगा। लेकिन एक चीज, हाँ बोलो सर, आपने किया क्या है, अरे इसको पुट कर दिया रे, ये वाला टर्म इसको पुट कर दिया यहाँ पर एक्सप्रेशन में, ओके सर समझा समझा। और इसको तो डिराइव किए थे ना अर्लियर, डिराइव किए थे ना, दिस इज डिराइव्ड अर्लियर, तो मैं डिराइव ही करके बैठा हुआ हूँ, मतलब ये जो वन और टू हैं, दीज आर जनरल एक्सप्रेशंस, ये हमेशा काम करता है। अब मुझे बताओ फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसको भी याद रख लेना, और नहीं तो देख सकते हो फिर से यार ये डेल वी वाला टर्म आ रहा है कि सर जीरो हो जाएगा, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये टर्म अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो राइट हैंड साइड। तो सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए सीपी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सीपी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो मान सकते हैं हम लोग के, बिकॉज फिर से मैंने बताया हम लोग का जो प्रोसेसेस हम लोग करेंगे केमिस्ट्री में, सॉलिड लिक्विड्स के लिए डेल वी चेंज वॉल्यूम में लाने में हालत खराब हो जाती है, होता जरूर है, इसलिए मैं इक्वल टू जीरो नहीं बोल रहा हूँ, आप आराम से सीपी इज इक्वल टू सीवी मान सकते हो। मतलब आपसे कोई पूछेगा स्टेटमेंट की फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सीपी एंड सीवी आर ऑलमोस्ट सेम, तो योर आंसर शुड बी लैंग्वेज में यस। For ideal gas, Cp minus Cv is equal to R. Your answer is yes. Is Cp minus Cv is equal to R for a real gas? No, sir. No. For real gas, is this Cp minus Cv is equal to R? Answer? No. No. बस अलग बात है, लैंग्वेज में चीजों को जान लो, आएगा तो तुमसे आइडियल गैस ही 99 ऑफ द ईयर, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या है। क्लियर है? यस सर, ठीक है। और अगर तुमसे फिर भी पूछ ही दिया कोई, मान लो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में दे दिया, ऐसा करेगा नहीं वैसे, मुझे लग रहा है नहीं पूछता है वो जी, बट मान लो वन डे वॉज गैस दे दिया और बोला इसके लिए सीपी माइनस सीवी निकालो, यार तो मेरे ख्याल से आप लोग को तो पढ़ा दिया हूं, आप लोग को तो आना चाहिए, आप लोग को तो मालूम है इक्वेशन, डेल पी बाई डेल टी निकालो एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, एक बार डेल वी बाई डेल टी निकालो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, डालो आंसर आ जाएगा। ये अलग बात है नहीं पूछे, और मैं तो मानता हूँ कि पूछना चाहिए ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो और बाकी लोग छटे, है ना, होना भी नहीं पूछेगा जेई ने, नहीं जेई में जनरली बोलता है तुम लोग आइडियल गैस ही सिलेबस में ज्यादातर है, रियल गैसेस के बारे में जनरली
वो लैंग्वेज वाइज पूछ सकते हैं, लैंग्वेज वाइज ये पूछ सकते हैं ताकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को चेक करने, न्यूमेरिकल्स वाइज रियल गैस पे नहीं पूछेंगे, लेकिन यू शुड नो सर्टेन थिंग्स कि क्या है, मेरा हमेशा मानना है, लेकिन इतने साल आ भी सकता, हाँ वही तो बोला कॉम्प्रिहेंशन में पूछ देगा, आ भी सकता, वही बोल रहा हूँ, पूछने में क्या जा रहा है, अरे एग्जाम सबके लिए एग्जाम एग्जाम है, पूछने में क्या जा रहा है, तुम थोड़ा जान, मैं बोला तुम थोड़ा जान के रखो ना, तुम्हारे लिए क्या लोड, आगे बढ़ो आप सर, तो मतलब गामा 1 होगा सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए, हाँ यस गामा अप्रोक्सीमेटली 1 हो सकता है तुम्हारे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए, और ये भी प्रूफ क्यों आ गया, बिकॉज डेल वी का टर्म आ गया, डेल वी मतलब 1.0 मान लेते हैं, ठीक है आगे बढ़ो आप, हाँ सर मतलब मैं तुमको आप कोई भी इक्वेशन दे दूं अपने से बना करके, अगर कोई गैस का और मैं तुमसे सीपी माइनस सीवी पूछूं तो तुम आराम से निकाल सकते हो, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करके, जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन, मतलब तुमको अब डरना नहीं है, और आइडियल गैस के लिए याद रख कर जाना है ये वार होता है, बस आइडियल गैस के लिए मान के चलना है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अब मान लो हम लोग एंथैल्पी का भी थोड़ा काम कर लेते हैं, एंथैल्पी, अच्छा एंथैल्पी भी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी करके काम किया गया है, बाकी तो उसके अंदर कुछ नहीं, अच्छा डीएच को कैसे लिख सकते हैं, डी यू प्लस डीपीवी, हाँ एक तो, हाँ एक वो है, एक ऐसे कर रहा हूं, मान लो H को ऐसे, H इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर लिख देता हूँ, देखो एक और चीज है, तुम बोलोगे सर ये काम इंटरनल एनर्जी को क्यों नहीं लिखा आपने, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यार कुछ भी लिख सकते हो, बस होता क्या है कि U के टर्म्स आते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, डेल U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, एंथैल्पी का जनरली काम आता है कांस्टेंट प्रेशर पर, इसीलिए अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इतना पक्का है एंथैल्पी इज अवेलेबल, और एंथैल्पी क्या होता है, U प्लस PV होता है, तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑब्वियस बात है कुछ भी लिख सकते हैं, सेम काम, DH कैसे लिख सकते हैं, DH कैसे लिख सकते हो, तो del H by del T at constant pressure into dT plus plus del T by del P at constant del P into dT dP, ये होगा ना, मतलब generally, और एक तो मालूम ही है, और ये obvious बात है, ये सब तो मालूम ही है तुमको, this is equal to du plus P dV plus P dV, ये तो मालूम ही है, because H is equal to U plus PV, अगर ये तो मालूम ही है, अच्छा एक चीज बताओ, अब इसी में, इसी कंडीशन में अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर लगाऊं, कांस्टेंट प्रेशर पे DP कितना हो जाएगा, जीरो है ना, तो DH क्या हो जाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे DH ही DQP होता है, याद है सब डिवाइस, ये सब डिराइव किए थे, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना हो तो डीएच ही किसके बराबर होता है, हीट एब्जॉर्ब क्या होता है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, एंड डीक्यूपी बाय डीटी को क्या बोलते हैं, एनसीपी, मालूम है, वन मोली मान रहा हूं, ठीक है वन मोली मान रहा हूं, सपोज क्या बोलते हैं इसको, याद है सीपी, तो और सिमिलरली सीवी क्या था, सीवी क्या था, तो सीपी क्या हो सकता है, मुझे मालूम है डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं इसे एक्सप्रेशन में अगर डालूं, जनरल एक्सप्रेशन, डीएच कैसे लिख सकता हूं मैं, सीपी डीटी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डीपी, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, और डी यू के लिए क्या लिख सकता हूं, जनरल एक्सप्रेशन, डी याद आ रहा है जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखा था,
ये क्लियर है। अच्छा अब इधर ध्यान दो, आइडियल गैस के लिए क्या किए थे याद है? आइडियल गैस के लिए हम लोगों ने क्या किया था? आइडियल गैस के लिए मैंने बोला था, देखो ध्यान सुनना, आइडियल गैस के लिए मैंने बोला था कि अगर एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी रखोगे तो आइडियल गैस इज यू प्लस एन आर टी लिख सकते हैं। तो एच इज अ फंक्शन ओनली ऑफ टेम्परेचर, याद है ऐसे लिख सकते थे? हाँ सर, यही तो किए थे ना, मतलब एच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर विच गैस? दिस इज ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस, और तुम्हारे सिलेबस में यही है। और तुमको बोलना है सर मुझे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी बता दीजिए सर ऐसा कैसे होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सेकेंड लॉ से ये आएगा आगे जा करके, मैं इसका भी आप लोग को लिख ही देता हूँ फॉर्मूला। डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो फॉर्म सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये फॉर्मूला होता है दिस इज। और डेल यू बाई डेल वी क्या होता है ये मैंने बताया था, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना होता है याद है ना? तो एक चीज बताओ, या तो तुम एच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर रियल गैसेस ऐसे देख लो, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी से, यू इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर एंड एनआरटी में भी आर एंड कॉन्स्टेंट सी है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो तुम क्या करो इस एक्सप्रेशन को आइडियल गैस पुट करो। तो इस एक्सप्रेशन में आइडियल गैस, आइडियल गैस एक्सप्रेशन पुट करेंगे फॉर आइडियल गैस क्या हो जाएगा बताओ तो? अगर मैं आइडियल गैस मानू तो क्या हो जाएगा सर? कौन सा एक्सप्रेशन? ये वाला, ये जो जिसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी माइनस टी इन टू कितना हो जाएगा? डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताओ? जीरो, पी आर टी होता है ना, तो v by t कितना हो जाएगा बताओ? क्या होगा del v by del t at constant pressure? r by p हो जाएगा, और rt by p कितना होता है? v होता है, जीरो आ जाएगा। चेक करो तो समझ आया सब लोग? तो इसका मतलब जनरल एक्सप्रेशन जो है h इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैसेस। या तो आप एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी वाले फॉर्मूले से देख लीजिए, नहीं तो आप इस फॉर्मूले से देख लीजिए जो मैंने ग्रीन में अभी दिखाया है। सबको क्लियर है यहां तक बात? Yes. तुम मुझसे पूछ सकते हो सर इसका डेरिवेशन, ये ग्रीन वाले का जो आपने दिया है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन समय अगर होगा तो करेंगे, अदरवाइज याद कर लो। मैं भाई बोला ना ज्यादा भी रिसर्च नहीं करना है, ऐसा नहीं कि रेड बॉक्स वाला बताओगे? कौन सा रेड बॉक्स वाले दो इक्वेशन बताओगे? रेड बॉक्स में मैंने डीएच ऐसे लिखा, अब मैंने क्या किया, एंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है ना, तो एक काम करते हैं पहले कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर डालेंगे तो मालूम आ रहा है कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर अगर मैं किसी गैस को सप्लाई करूं हीट और उसका टेम्परेचर अगर डीटी से राइज होता था तो उस समय सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देखोगे कि जितना डीक्यू अंदर गया दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये हमने डिराइव किया था, ये लिखाया भी था स्टेटमेंट कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग्स गोज इन टू द चेंजिंग ऑफ द एंथैल्पी। यहीं पर आप लोगों ने सवाल भी पूछा था सर एंथैल्पी क्या है, तो मैंने बताया था एंथैल्पी यू प्लस पीवी इतनी बार यूज में आएगा कि इसको क्लब करके एक नया टर्म बना दिया गया, यही बताया था है ना। तो इस एक्सप्रेशन से डीएच डीक्यूपी के बराबर हो गया, और डीपी को क्या डाल दिया मैंने? जीरो। तो मुझे मालूम पड़ गया कि dH is equal to del H by del T at constant pressure into delta into dT, और dQ by dT क्या होता है? dQ by dT तो CP होता है ना, ये तो वही तो होता है ना, molar heat capacity मालूम मैंने 1 mole लिया था, तो मुझे मालूम पड़ गया कि delta H by delta T at constant pressure को CP बोलते हैं। मतलब मेरा main काम था मुझे delta H by delta T at constant pressure निकालना था, तो इसको CP बोलते हैं, ये हम लोग को मालूम पड़ गया।
ठीक है, दिस इज सीपी। ये हम लोग आराम से हर गैस के लिए निकाल सकते हैं सीपी। कैसे? अरे हम लोग तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, डी क्यू हम लोग को मालूम है, डी टी मालूम है, निकाल दिए सीपी। अरे हम लोग को डी क्यू मालूम है ना, ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग्स में कितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ, उसे हम लोग कर लेते हैं, डी टी हम लोग मेजर कर लेते हैं, हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। हम लोग के पास अब दूसरा क्या टर्म बचा निकालने को, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अब ये बचा। तो इसका मैं अभी डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, इसका मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया कि इसका फॉर्मूला ये होता है, यहां लिख दिया। तो मैं जनरल एक्सप्रेशन में दोनों को डाल सकता हूं, तो मैंने जनरल एक्सप्रेशन में दोनों को डाल दिया, डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को लिख दिया सीपी डी टी, और उसको लिख दिया मैंने डेल्टा एच बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। समझा? चलो आगे बढ़ू। और ग्रीन में आपने जो लिखा है वो अभी लिखे के बाद ना आप सिखाओगे फिर? ये अगर सेकेंड लॉ में होगा तो ड्राइव करके बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर याद भी रखोगे तो भी काम हो जाएगा। बात ड्राइव करके, ड्राइव तो कर सकता हूँ सेकेंड लॉ, लेकिन याद कर लो ना उससे भी हो जाएगा, कुछ चीजें याद भी कर लो ना। मैं जब पहले ही बोल रहा हूँ कि इतना डीप में भी कुछ जाना, आप दो चीजों को आप याद कर लो, कौन सा, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कैसे निकलता है, और डेल यू एट, ये दोनों कैसे निकलते हैं, इनको याद कर लो। समय मिलेगा तो जरूर करा दूंगा यार, लेकिन वही है कि लगता नहीं है, इतना सारा चीज है ना। चलो आगे बढ़ूं। आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो इसका मतलब डी ए इक्वल टू, हम लोग को मालूम पड़ गया सीपी डी टी जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है, और इसमें थोड़ा नहीं नहीं एक चीज बता रहा हूँ ना, मुझे जो चीज मेरा मेन कॉन्सेप्ट है उसको बताना चाह रहा हूँ, मुझे अपना असली काम क्या करना है, मुझे तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए निकालना है ना। एंड डेल एच बाई डेल टी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना था, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना था, वी माइनस इंटू डी पी था कि नहीं, अभी जस्ट बताया ना ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी याद कर लो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अभी ध्यान देना, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स फिर से ये टर्म डीवी आ गया कि नहीं, डेल वी, तो ये टर्म को मैं आपको असेंबली क्या कर सकता हूं, जिस टर्म को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकता हूँ, जीरो जीरो। देयरफॉर जो मेरा मेन काम था फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, डीएच कैन बी रिटन एज सीपी डीटी प्लस वीडीपी। ठीक है, समझा सब लोग? फॉर आइडियल गैस क्या लिख सकता हूं मैं, फॉर आइडियल गैस तो क्या लिख सकता हूं, डीएच इज इक्वल टू सीपीडीटी, या फिर लिख सकता हूं एच इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। आइडियल गैसेस के लिए ज्यादातर 99% आपको यही सब चीजें पूछेगा, एनसीपीडीटी, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें जान लो जनरली। और सॉलिड एंड लिक्विड के लिए भी क्या होता है ना, जब कैलकुलेशन करोगे इनके लिए भी, जब कैलकुलेशंस और डन फैक्ट्री में जब कैलकुलेशंस किए गए तो वीडीपी वाज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू सीपीडीटी। देयरफॉर टीएच को अप्रोक्सीमेटली उन्होंने भी सीपीडीटी ही मान लिया,
एक्चुअल एक्सप्रेशन यही है नो डाउट. तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ऑल्सो एच कैन बी कंसिडर टू बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जनरली जब कैलकुलेशंस किया गया ना कैलकुलेशंस, तो वीडीपी का वैल्यू बहुत ही कम आया इन कंपैरिजन टू सीपीडीटी. तो उसका हाँ बोलो सर, आपने डेल एच बाय डेल पी को वी माइनस इसमें कैसे देखा? अरे बताया ना फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला बताया ना याद रख लो. मैं कनेक्ट नहीं समझा सर, कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला अभी जस्ट बताया था, नहीं तो फॉर्मूला याद रखना है. मैंने बोला ना इसका डेरिवेशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मेमोराइज. हाँ सर. सर मैं v माइनस टी उसकी बात कर रहा हूँ. हाँ वो यही से तो, यही तो फॉर्मूला आया था. अरे यही तो लिखा हूँ फॉर्मूला, देखना यही फॉर्मूला तो लिखाया हूँ. यही दोनों फॉर्मूला तो बोला मेमोराइज करने. ये दोनों फॉर्मूला तो बोला मेमोराइज कर लो. हाँ सर. अगर समय बचा तो जरूर दिखा दूंगा सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर बचा तो. कौन सा? ये दोनों कैसे है? बोला तो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. अरे कुछ चीजें याद भी तो रख सकते हो. देखो सिंपल सा चीज है, रिसर्च भी नहीं करना है, खत्म भी करना है सिलेबस. ऐसा नहीं कि सर जो सिलेबस में नहीं है वही पढ़ते जाएं, उससे भी फायदा नहीं हो रहा है. मैं हमेशा बोलता हूँ उसी से जो चीजें आपको सिर्फ जाननी है या मैं बोल दू रिवाइज करना है या सिर्फ मेमोराइज करना है, मेमोराइज कर लो. यहाँ कुछ होगा सिलेबस करेंगे और सिलेबस से दो कदम आगे बढ़ेंगे, बस ज्यादा भी कदम आगे नहीं बढ़ना है. जैसे तुम लोग पूछते हो ना कुछ कुछ चीजें, तो याद करना है क्योंकि आपको रिसर्च तो पहले कॉलेज तो अच्छा पहुंचे आईटी, सिलेबस भी तो खत्म करना है ना. तो आपसे ज्यादा तो पूछता नहीं है रियल गैस को लेकर के, आप बस जनरल एक्सप्रेशन सब जान लो बाकी ठीक है, और काम अपना नॉर्मल करो. समझा? चलो आगे बढ़ूं. दो मिनट. इसलिए ज्यादा भी लोड वाला बात नहीं करना है, ऐसा नहीं कि एकदम रिसर्च कर रहे हैं बैठे हुए हैं. कंफ्यूज तो नहीं होगा ना यार तुम लोग? ठीक है ना, अभी तक जिंदा है ना? हाँ सर, पर फॉर्मूला लंबे लंबे. हाँ तो फॉर्मूले का एक लिस्ट बनाओ, मैंने पहले ही बताया था, फॉर्मूले का एक लिस्ट बनाओ और इसका कीवर्ड बनाओ इंपॉर्टेंट वाला, कब कौन सा एप्लीकेबल है, और ज्यादातर जनरल लिख लो और रियल गैसेस के बारे में इतना बातें बस. उतना तो मेहनत करना पड़ेगा ना, मैं तो उतना कर लू. फॉर्मूले तो रहेंगे, फॉर्मूला तो रहेगा, उतना तो मान लिया. हाँ बोलो सर. थर्मोडायनेमिक्स के लिए पर डे कितना देना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए? नहीं पर डे मतलब इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट्स वाइज अगर तुम्हारा है, अब डिपेंड करता है कि देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसा आ रहा है. अगर वो नहीं है तो पहले तो उसको करो, तब तो पीछे पढ़ो थर्मोडायनेमिक्स के, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, ये क्या बोले, ये केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, ये गीता है. ठीक है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग हो गया इनऑर्गेनिक का, ये तो पूरा यूनिवर्स का ही है भाई. आप एक अच्छे इंजीनियर ही नहीं बन सकते हो विदाउट नोइंग थर्मोडायनेमिक्स, नहीं कर सकते हो.
आप मैकेनिकल करो, आप इलेक्ट्रिकल, सो आप सॉरी आप ये करो केमिकल करो मैकेनिकल करो, आपको थर्मोडायनेमिक्स का जरूरत तो आना ही आना है। दीज आर यूनिवर्स के ये सब कोड्स हैं, लॉज, आप उनके तहत ही काम करोगे ना। तो जिनका भी ये थोड़ा ढीला चल रहा है वो जा करके मेहनत करें, आप इनके बिना काम नहीं कर सकते हो। तो कुछ भी इंजीनियरिंग करना है तो यू शुड नो अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। सारे पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हीट इंजन इसी सब पर बेस्ड है। हाँ बोलो सर, एनसीईआरटी में एक बार पढ़ के ट्राई करें। एनसीईआरटी में तुमको बेसिक तो मिल जाएगा, लेकिन अगर तुमको इस पर क्या चाहिए, तुमको कॉन्सेप्चुअल, देखो अगर कॉन्सेप्चुअल डाउट हो रहा है, ज्यादा फॉर्मुले में फंस रहे हो, तो ज्यादा तो बेटर है कि एक तो मेरे से ही पहले डिस्कस करो, बिकॉज जो चीजें तो कहीं किसी किताब में मिलेंगी ही नहीं। तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी और इसमें बहुत का अंतर है, दिख ही रहा होगा, एनसीईआरटी और इस नोट्स में बहुत का अंतर है ना। तो अगर किसी को डाउट आ रहा है तो सबसे पहले तो आप मेरे से ही डिस्कस करिए। कैसे, आप मुझे मैसेज करिए, ये डाउट क्लास होता है सर, थोड़ा ये करना है, थोड़ा सा 60% खुद का मैं करो, 40% तो मैं हूं ही किसी भी पॉइंट पे डाउट आया तो। क्योंकि एनसीईआरटी भी कर लोगे ना तो बेसिक चीजें आपको भी आती होंगी, लेकिन आपको उतना वो तो बेसिक है और इसमें बहुत का फर्क है। तो सबसे पहले तो वो करो। हाँ, और अगर प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस करो, ऑब्वियस बात है प्रैक्टिस अच्छा होगा ही। तो दो चीजों पर है, पहले तो देख लो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट हो तो पहले तो उसको क्लियर करो। फिर भी तुमको लगता है कि सर कॉन्सेप्ट में मुझे डाउट है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको किताबें भेज दूंगा जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो, मैं आपको वो भी कर दूंगा, मतलब अच्छे किताबें। एनसीईआरटी तो पढ़ाई करना ही है, बट एनसीईआरटी तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही जाएगा। चलो आगे बढ़ो, बहुत क्या सर, थर्मोकेमिस्ट्री कब शुरू होएगा? अभी समय लगेगा यार, अभी तो सेकंड लॉ में ही तुम लोग अभी चलेगा। चल एक आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एक और चीज, उसके तो लॉ है, वो कोई फेर होते हैं क्या कोई भी पर्टिकुलर केस के लिए? नहीं 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 नहीं, फेल नहीं, लॉज का मतलब ही फेल नहीं हुआ ना। लॉ में जहां तुमको साइंस ने लॉ बोला है, मतलब वो रूल है यार, उसको इंसान कुछ नहीं कर सकता। लॉ का मतलब ही साइंस नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोरिलरी थ्योरम रूल। लॉ फेल नहीं कर कैसे होगा, वो ईश्वर बनाया हुआ है यार, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर का बनाया हुआ है। हम बोलो अभी तक कितना परसेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ है? अभी आज फर्स्ट लॉ हो जाएगा, इसके बाद तुम लोग का और बाकी है, अभी है अभी आधा आधा हुआ है, आज आधा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो, ये एक पार्ट लिख लो, यार ये पार्ट तुम करोगे फिजिक्स में करोगे, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, कॉपी कर लो। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो अभी यार फिजिक्स में कर लेना, ऐसी समय मेरे पास कम है। कौन कौन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और कौन सा? वाइब्रेशनल। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जितने सारे इंडिपेंडेंट वेज में सिस्टम अपनी एनर्जी स्टोर कर सकता है या मूव कर सकता है, ठीक है ना, उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सिस्टम को एनर्जी दोगे तो ट्रांसलेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। मैं इसमें बस कुछ चीजें बता करके आगे बढ़ूंगा, मुझे आज खत्म करना है, और ये आप लोग फिजिक्स में करोगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है फिजिक्स भी ले लूंगा तब ऐसे ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में फिजिक्स में दिया हुआ है, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना फिर से, लेकिन काम इसी से हो जाएगा। वाइब्रेशनल इज वैलिड, याद रखना, वाइब्रेशनल इज वैलिड एट हाई टेम्परेचर्स। मोनोटॉमिक गैसेस के लिए ट्रांसलेशनल कितना लोगे? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लोगे? 3। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या डेफिनेशन बताया था? मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ, लिख देता हूँ, इसको लिखो, इसको कॉपी कर लो, लिख देता। सर उसकी कुछ यूनिट होती है? उसका कुछ सर यूनिट होता है क्या? ना ना, नंबर है, नंबर। क्या है exactly? मतलब 3 different ways है क्या जिसमें translation store कर सकते हैं? हाँ, yes, yes, yes. बताता हूँ, बता, yes.
बताता हूँ, और फॉर्मूला याद रख लेना सर। वो ट्रांसलेशनल को 3 लग रहा है तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है क्या? हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस। With center of atom being the origin. Yes. CV is equal to F by 2R formula. F यहाँ पर क्या है? मतलब तुमसे पूछेगा हीलियम गैस के लिए CV निकालो, क्या होगा फॉर्मूला? What is the total degrees of freedom हीलियम गैस के लिए? बताओ, ट्रांसलेशन कितना? 3, रोटेशन कितना? 0, वाइब्रेशन कितना? 0। अच्छा व्हाट इज, देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर N2 गैस? बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं मेंशन किया हो तो वाइब्रेशनल नहीं लेना है। सुनो ध्यान से, N2 गैस के लिए होगा तो कितना होगा CV का वैल्यू? 5/2। और याद आ रहा है यही लिखाए थे कि नहीं? मोनोटॉमिक डायटॉमिक के लिए 5/2R लिखाए थे कि नहीं? हाँ सर, यस यही लिखा है ना। लेकिन बोलेगा व्हाट इज द सीवी वैल्यू फॉर N2 एट हाई टेम्परेचर्स? आई वांट यू टू टेक इनटू अकाउंट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आंसर क्या होगा? हाँ 3 इसका, 2 इसका, और N2 का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा हाई टेम्परेचर्स पर? 3R होगा। 3 × 2 − 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1 = 6/2R, मतलब कितना? 3R। मतलब CV value of N2 at high temperatures कितना बोलोगे? 5R/2 बोलोगे कि 3R बोलोगे? 3R, ठीक है? अगर कुछ नहीं mention किया है, if nothing is mentioned, don't take into account vibrational degree of freedom. आप degree of freedom का definition दे दो ना। हाँ लिख दे। और एक बार फिजिक्स में करना नहीं हो तो फिर से पूछना यार, ठीक है ना? ऐसे तो इसी से काम हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है? लिखो, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। सर ये सिर्फ सीवी कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा कि और कुछ भी है? और कुछ नहीं ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, आपको बस मालूम होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देखो यार, डायटोमिक मोनोटॉमिक का तो तुमको मालूम करा ही दिया मैं, क्या होता है 3R/2, डायटोमिक के लिए 5R/2, पॉलीटोमिक के लिए क्या होगा बताओ? याद है, कर ही लिए थे हम लोग। हाँ वो हम लोग कर ही लिए हैं, वो सब हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है ना? तो वो याद रखना, वो फॉर्मूला तो सही है ही, लेकिन जनरली अगर तुमसे हायर टेम्परेचर्स पूछ दिया जाए तब आपको वाइब्रेशनल भी लेना पड़ता है अकाउंट। आगे बढ़ो, लिख देता हूँ मैं। सर ये आपने दिया क्या वो नहीं समझा, मतलब आपने फिर कौन से सीवी कैलकुलेट करने के लिए क्यों दिया ये सब फिर से? मैं सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ कि क्यों दिया, बिकॉज अगर तुमसे पूछ दिया फाइंड द सीवी वैल्यू ऑफ N2 एट हायर टेम्परेचर्स तब क्या करोगे? तब आंसर F/2R में, तब वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो पहले काम किए थे। अरे पहले कितना लिखे थे डायटोमिक का? 5R/2 लिखे थे। हाँ सर समझा। उसमें लिखा था, एक नोट पढ़ाया था, लिखाया था वाइब्रेशनल डिग्री इज नॉट कंसिडर्ड, लिखाया, देखो नोट में लिखाया हूँ। हाँ, अगर वाइब्रेशनल भी कंसिडर किया जाएगा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं जनरल फॉर्मूला बता दिया, ठीक है?
अच्छा मॉलिक्यूल्स कैन टेक अप एनर्जी लिखो, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बोल रहे हो? हाँ उसी का बता दो। मतलब मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे तो एनर्जी किस किस फॉर्म में स्टोर कर सकता है वो? रोटेशनल और क्या, वाइब्रेशनल, ये सब वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप क्या नाम देते हो? बोलते हो दिस इज द फ्रीडम, इसको फ्रीडम है अपना एनर्जी जो आपने दिया, कुछ ट्रांसलेशन में भेज देगा, कुछ वाइब्रेशनल में भेज देगा, तो इनको बोला जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अब बता रुको इसे क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सुन लो। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस दैट आर अलाउड, ठीक है। अच्छा इसके बारे में समझा मैंने क्या बताया है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब लेना है, एट हाई टेंपरेचर, किस टेंपरेचर लेना है, हाई टेंपरेचर्स बस। बाकी तुम वही फॉर्मूला याद रखना, सीवी सीपी का जो 3R/2 5R/2 था, जनरली मैंने बता दिया है अगर हायर टेम्परेचर है तो वो ले लेना है। ठीक है, डिटेल्स में आप करते हो फिर से फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए काम करना यार, उसमें अगर नहीं वहां डाउट हो तो फिर पूछना। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब करोगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वहां पर कर लोगे आप। ठीक है दोस्तों, आप काम कर लोगे वहां पर। जैसे एक चीज बता देता हूं, मोनोटोमिक गैस में ट्रांसलेशनल होगा, कितने सारे एक्सिस में मूव कर सकता है बताओ, एक्स में, वाई में, और किस में, जेड में, जेड में। अगर वो ऐसे मूव करता है तो दिस मोशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर एडिशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इसलिए मूवमेंट वो जैसा भी करे इंडिपेंडेंटली उसके पास तीन डायमेंशंस है, एक्स वाई और जेड, इसलिए उसको तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोला गया है। वाइब्रेशनल तो होगा नहीं, क्यों वाइब्रेशनल क्यों नहीं होगा, बिकॉज वाइब्रेशन के लिए कम से कम बॉन्ड तो होना चाहिए। और हम लोग रोटेशनल भी नहीं लेते हैं, इसका रीजन होता है तुम आगे पढ़ोगे, रोटेशनल के लिए क्या लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये सब तुम जानते हो फिजिक्स में, अभी रोटेशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, वही मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में ज्यादा है ये। तो आप देखोगे किसी भी मॉलिक्यूल का अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अप्रोक्सीमेटली जीरो करना, तो वहां पर आपको और डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा फिजिक्स में वहां पर, तो इसीलिए उसका रोटेशनल अपने एक्सिस के अबाउट नहीं लेता है। तो इसके सिर्फ तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते हैं, एक्स वाई और जेड। डायटोमिक लीनियर के लिए क्या होगा, डायटोमिक लीनियर के लिए वो तीन ट्रांसलेशनल तो कर ही सकता है, एक्स में, वाई में, जेड में पूरा। अब इसमें रोटेशन भी आ सकता है, रोटेशनल किसने आएंगे, रोटेशनल भी आएगा दो इस एक्सिस के अबाउट, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है।
इसीलिए उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन जो करता है ना इस एक्सिस के अबाउट, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये सब करोगे 2/5 एमआर स्क्वायर होता है एंड रेडियस इज वेरी स्मॉल, या फिर एक्सिस पे क्वेश्चन पूछोगे क्या आप? नहीं, कुछ केमिस्ट्री में कैसे पूछेगा बता दिया हूं, केमिस्ट्री में कैसे पूछेगा। एक तो तुमको सबके सीवीसीपी वैल्यूज याद होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में भले ही अब करना, फिजिक्स का मुझे नहीं मालूम है, ये फिजिक्स का पार्ट है तो आप फिजिक्स में करिएगा, ठीक है ना। तो मैं तो अपना केमिस्ट्री में पहले अपना कुछ चीजें बता दूं जो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में जरूरत है। आपको सीपी सीवी के वैल्यूज मालूम होने चाहिए, और दूसरा आपको कोई भी गैस अगर दे दिया जाए बोलेगा उसका सीवी निकालो हाई टेम्परेचर पर, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। एफ यहां पर क्या होगा, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल भी एड करना पड़ेगा, समझा सब लोग। ये करना है मुझे सिर्फ इसी से मतलब, मुझे सिर्फ इसी से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है, बाकी आप फिजिक्स में देख लीजिएगा। हाँ बोलो सर, मैं कह रहा था कि अगर कोई वहां आप लोगों को डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, और वहां हो तो डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले तो मुझे फर्स्ट लॉ खत्म करने दो। हाँ बोलो सर, मैं कह रहा था कि अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है तो अगर हम उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन देंगे एंड उसी में उसको अलाउ करेंगे मूव करने को, तो क्या सीवी वैरी करेगा? हाँ यस वैरी कर जाएगा, अगर वैसा कर दोगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वही है। उसको बोल दो जैसे तुम बोल दो, एक मैकेनिक्स में आता है, मान लो एक रॉड है और उसके ऊपर एक रिंग है, रिंग को कितना मूवमेंट अलाउ करने का, मान लो इट कैन ओनली स्लाइड, तो क्या वाई और जेड में जा सकता है क्या? नहीं सर। क्या वाई और जेड में जा सकता है? नहीं ना। तो इस रिंग का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? वन, ओनली वन। इसको फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट करने का जो आपने आजादी दिया है वो सिर्फ एक डायरेक्शन दिया है, इसी को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोल रहा है। कितना उसके पास मूवमेंट करने का आजादी है। तो अगर आप मोनोएटॉमिक गैस को छोड़ दो तो वो तीन ही या तो कहीं भी मूव करे। तुम बोल सकते हो सर वो तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, एक्स वाई जेड में क्यों जाएगा वो? अरे किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो इंडिपेंडेंटली इस मोशन को आपको डिफाइन करने के लिए कितने एक्सिस की जरूरत है, इस लिख सकते हैं ना वीएक्स प्लस वीवाई प्लस वीजेड, तो तीन ही जरूरत है। तो इसीलिए इसके ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तीन होते हैं, वाइब्रेशनल होगा नहीं, रोटेशनल का मैंने बता ही दिया, अलॉन्ग दी एक्सिस अगर रोटेट करेगा तो मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज नेगलेक्टेड, इसलिए रोटेशनल नहीं लेते हैं। डायटोमिक लीनियर के लिए भी अलॉन्ग दी एक्सिस जो होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास दो रोटेशनल बचते हैं और तीन ट्रांसलेशनल बचते हैं, तो पांच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाता है, समझा? ये वाला पार्ट है पूरा, और नहीं तो फॉर्मूला अभी के लिए याद रखना, मुझे सिर्फ उसी से मतलब, उससे ज्यादा मुझे मतलब नहीं है ज्यादा। और अगर फिजिक्स में भी प्रॉब्लम आया तो बोलना, तब मैं अगर होगा तो शायद, लेकिन आएगा क्यों, आराम से करोगे जब जैसे ही रोटेशनल क्लियर होगा कि तुम्हारे ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, व्हेन यू गो इनटू रोटेशनल डायनामिक्स समझ में आ जाएगा तुमको।